हाय एवरीवन, मैं हूँ सुष्मिता। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल मम्स ब्यूटिफाइड होम में। आज के वीडियो में मैं आप सबको मेरे छोटे से मंदिर का टूर दूंगी और उसके साथ कैसे कम स्पेस पे आप अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और एक एक जगह को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका कुछ आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने ये मंदिर नया बनाया हुआ है तो ट्राई किया है ज़्यादा से ज़्यादा इसपे स्टोरेज हम बना सके और उसके साथ कैसे एक मंदिर की एस्थेटिक को मेंटेन करते हुए वेल फंक्शनल बनाया जाए उसका भी ध्यान रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मम्स ब्यूटिफाइड होम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे मंदिर का एंट्रेंस कुछ इस तरह सा दिखता है। ये हमारे बालकनी के ठीक सामने ही है। दरवाजे को हमने राउंड रखा है और ये टी कोड से बनाया हुआ है, थोड़ा सा ग्लास का भी यूज़ किया है। और ठीक राइट साइड में है ये तुलसी का पौधा और इसके साथ एक अगरबत्ती स्टैंड रखा है। तो चलिए एंटर करते हैं। मंदिर का साइज़ बहुत ही छोटा है, 5x7 यानी कि 35 स्क्वायर फीट का है और बिल्कुल सामने ही है भगवान का आसन। अंदर एंटर करते ही राइट साइड में बनवाया है ये बेसिन कैबिनेट, उसके एकदम ऊपर ही रखा है ये लक्ष्मी जी का फोटो और इसके नीचे लगा के रखा है शुभ लव जो मैंने दिवाली वीडियो पे बनाया था, इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी। और ये एक टावर रिंग है। देन रखा है बर्तन को वॉश करने के लिए एक बार और स्क्रब पैड। ये बेसिन जो है वो बहुत छोटा है, ढूंढ ढूंढ के मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसे परचेज किया है। नीचे जो कैबिनेट दिख रहा है उसे हमने कारपेंटर से बनवाया है, अगर सेट में लेते तो वो बहुत कॉस्टली आ रहा था और साइज़ में भी बहुत बड़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैंने रखा है एक फायर एक्सटिंग्विशर एंड बॉटल ऑयल की और नीचे कुछ बर्तन जो डेली यूज़ में आते हैं। और ये सारी चीज़ सामने से नहीं दिखती है, इसी तरह मैंने इस स्पेस को यूटिलाइज़ किया है और ये एंट्रेंस से एकदम क्लटरफ्री दिखता है। अब चलते हैं एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में जहाँ मैंने फ्रिज को प्लेस किया है और एक स्टूल में दिया को रखा है। फ्रिज के ऊपर मैं रखती हूँ ये बास्केट जिसपे फ्रूट्स रखती हूँ और उसके नीचे एक बॉक्स रहता है जिसमें कुछ कैंडल्स और इंसेंस स्टिक रहता है। और इस तरह का धूप बहुत अच्छा, इसका खुशबू है, ये सब यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ जो जो चीज़ें हमें डेली पूजा के लिए चाहिए होता है। और इसके पास में रहता है ये दो येलो और ग्रीन कलर का नाइट लैम्प जो हम रात में जलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रिज में जो इलेक्ट्रोलक्स का है, काफ़ी पुराना है और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। इस पर हम फ्लावर्स को स्टोर करके रखते हैं और अगर कोई मिठाई और फ्रूट्स लाया गया हो तो उसे भी स्टोर करके रखते हैं। फ्लावर्स एकदम फ्रेश रहता है इस पर। तो अगर आप एफर्ट कर सकते हैं और भगवान की चीज़ों को अलग से स्टोर करना चाहते हैं तो ज़रूर एक मिनी फ्रिज मंदिर पे रखिए। मेरा ये फ्रिज शायद 8 लीटर्स का है, अंडर 10,000 आपको मिनी फ्रिज मार्केट या ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा। फ्रिज के सामने ही रखा है एक स्टूल जिसपे हम अगरबत्ती और दिया को जलाते हैं। बेसिकली इसे हमने बैठने के लिए बनाया था तो कोई बैठता नहीं तो इस पर्पस पे इसको यूज़ कर लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं ठीक आसन के नीचे ड्रॉर्स और कैबिनेट्स को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। राइट साइड के कैबिनेट में डेली और वीकली यूज़ होने वाली चीज़ों को स्टोर किया है, जैसे दिया, बर्तन, थाली, एक्स्ट्रा घट और यहाँ पे एक साइड पे स्टूल भी रखा हुआ है जिसे हम कभी कभार यूज़ करते हैं। और ज़्यादा क्लटर नहीं किया है यहाँ पे क्योंकि ये हमको निकालना होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट कैबिनेट को देखते हैं।
तो इस कैबिनेट में मैं कोई बर्तन नहीं रखती हूँ और यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ। जैसे इस बास्केट पे जैसे आपको दिख रहा है काफ़ी सारा मोमबत्ती यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा रंगोली के जो सामान है वो भी मैं इसके साथ ही स्टोर करके रखती हूँ। फ़िलहाल वो यहाँ पे नहीं है तो जब पुराने घर से आ जाएगा एक साथ रख दूँगी। और इस बास्केट में मैंने रखा है इंसेंस स्टिक। नेक्स्ट इस कंटेनर पे मैं रखती हूँ माचिस और कुछ क्लिप। और इसके पीछे और एक कंटेनर है जिस पे मैं दिए को जलाने वाले सारी चीज़ को एक साथ स्टोर करती हूँ। और ये बॉटल पे रखा है ठाकुर जी का परफ्यूम। यहाँ पे दो फूल और एक चांदमाला रखा है जिसे मैं नेक्स्ट पूजा में यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे है आसन जो पूजा के टाइम काम में आता है। ये थोड़ा सा स्पेशल चीज़ है मेरे लिए क्योंकि मम्मी ने इसे अपने हाथों से बनाया था तो मैंने रख दिया है। और ये कंटेनर पे मैं यूज्ड कुछ दिया रखा है जो एक दो बार यूज़ करके मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। और ये दो लाल थाली मैंने रिसेंटली परचेस किया है 100 रुपीज़ ईच। तो अब चलते हैं इसके ऊपर वाले ड्रॉर पे जहाँ मैं नाइफ, सीजर्स, हनुमान चालीसा, सिंदूर, चंदन ये सब छोटे छोटे चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ जो एक ही टाइम में आपको हाथों के सामने मिलता है और ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ता है। इसी तरह मैं हमेशा ड्रॉअर को मेंटेन रखती हूँ और मंथली एक बार इसे थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ जिससे इसमें पड़े हुए जो चंदन और सिंदूर के दाग है वो भी क्लीन हो जाता है। एक ही ड्रॉअर पे डेली यूज़ होने वाले सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने से आपका मंदिर तो टाइडी रहेगा ही और इससे आपका टाइम भी सेव होगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट ड्रॉअर जहाँ पे मैं भगवान जी का जितना भी कपड़ा है उसे रखती हूँ। डिसकलर्ड और फटे हुए कपड़ों को मैं हमेशा निकालती रहती हूँ जिससे ड्रॉअर में अननेसेसरी क्लटर नहीं होता है। इस तरह करने से ड्रॉअर मेंटेन रहता है और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि कौन सा कपड़ा हम यूज़ करें और कौन सा नहीं। अभी चलते हैं ऊपर के कैबिनेट में जहाँ पे मैं एकदम कम यूज़ आने वाले चीज़ों को रखती हूँ जिसमें ज़्यादातर स्टील, कॉपर या ब्रास का ही सामान है। और ये है लास्ट कैबिनेट जिसमें भी मैंने कुछ कम यूज़ आने वाले चीज़ों को स्टोर करके रखा है। कुछ पुराने बुक्स और एक बैग में कुछ पुराने कपड़े यही रहता है यहाँ पे। ओके, तो चलिए अब मिलवाते हैं अब सबको हमारे भगवान से। उससे पहले आसन पे मैं क्या क्या चीज़ें रखती हूँ वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक चांदी का बर्तन रहता है और एक ग्लास पे थोड़ा सा पानी रहता है और भगवान शिव जी को जो पानी चढ़ाते हैं वो भी आसन पे ही रहता है। और उसके साथ रहता है एक लक्ष्मी जी का घट जो हर थर्सडे हम लोग चेंज कर देते हैं। और एक प्लेट में फूल चढ़ाते हैं और यहाँ पे जो पूजा के लिए घंटा है वो रख दिया है। आसन के राइट साइड में मैं भगवान के सारे फोटोज़ और मूर्ति को वर्टिकली प्लेस किया है जिससे इतने कम स्पेस पे मैं सारे भगवान जी को एक साथ बिठा पाई हूँ। तो ये है माँ सरस्वती, यहाँ पे है माँ कामाख्या, ये है हमारे प्यारे से राधा कृष्ण, ये है माँ दुर्गा, गणपति जी, देन हनुमान जी, माँ काली और ये रहे हमारे छोटा सा लड्डू गोपाल। और इनके सामने है लोकनाथ बाबा
और ये रहा जगन्नाथ जी। और एकदम लास्ट में मैं आप सबको मिलवाऊंगी इनसे, जिन्हें हम माँ दुर्गा, माँ अम्बे, माँ गौरी, माँ गंधेश्वरी, विपत तारिणी, माता दी और ना जाने कितने नामों से हम इन्हें पहचानते हैं। हमने मंदिर के चारों ओर लगवाया है ये गोल्डन ओम टाइल्स, बैकग्राउंड और पूरे मंदिर को वाइट ही रखा है ताकि रूम इतना छोटा ना दिखे। और जितना भी वुडन वॉक यहाँ पे दिख रहा है वो टीक वुड का बना हुआ है। वर्निश में पीयू हाई ग्लॉस का यूज़ किया है जो वाटरप्रूफ है, और नीचे बेस में वाइट मार्बल का यूज़ किया है जिसे रेगुलरली हम क्लीन कर सकते हैं। तो मेरा ये छोटा सा मंदिर का टूर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय।